प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान करने के बाद किसान संगठनों में खुशी का माहौल है। इसी उपलक्ष में किसानों ने आज जनपद बुलंदशहर के खुर्जा में कृषि कानून वापसी पर खुशी जताते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई और गुलाल लगाकर किसानों ने जीत का जश्न मनाया। तस्वीरें खुर्जा के कचहरी रोड की हैं, जहां किसान ढोल नगाड़े पर झूमकर कृषि कानून वापसी की खुशी मना रहे हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन के मंडल सचिव कैलाश भागमल गौतम ने कहा कि कृषि कानून वापसी का ऐलान जुमलेबाज प्रधानमंत्री का एक जुमला है, जैसे 15 लाख रुपए का जुमला था ठीक वैसे ही। कैलाश गौतम ने आगे कहा कि जब तक सरकार संसद में कानून वापस नहीं लेती और MSP पर गारंटी नहीं देती, तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। ढोल नगाड़े यूं बजाएं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाज ने एक जुमला की आज सुबह 15 लाख की तरह उन्होंने कहा कि कृषि काला कानून जो वापस लिया जाएगा, लेकिन हम उसे 15 लाख की तरह जुमला ही समझ रहे हैं। जब तक कृषि काला कानून वापस नहीं होगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि शीतकालीन सत्र है 29 तारीख से। अगर इस सत्र में काला कानून वापस लेगी और MSP पर कानून बनेगा, तो संयुक्त किसान मोर्चा आगे निर्णय लेकर इस पर वो करेगा। और हमारी मांग है कि जो अब तक 700 किसान बॉर्डर पर शहीद हुए हैं, इस आंदोलन में उनको 50-50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए और उनके परिवारों को नौकरी दी जाए और MSP पर कानून बने। मैं खुशी यूँ है कि हम सोच रहे हैं कि सरकार हमारे आगे झुकी है और इसलिए हम खुशी मना रहे हैं। ये हमारी अभी पूरी खुशी नहीं है, और खुशी हमारी जब होगी MSP पर कानून बन जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं उनको देश के किसानों की तरफ से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज उन्होंने किसानों का सम्मान उन्होंने दिया, किसानों का जो अपमान किया था उसको खत्म करते हुए किसानों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी उन्होंने सुनाई है। आज उन्होंने जो कृषि कानून एक वर्ष पहले जो लागू किए थे, आज उन्होंने वो वापस ले लिए गए हैं। इसलिए मैं देश के किसानों की तरफ से और अपनी भारतीय किसान यूनियन महासंघ की तरफ से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं और उनकी लंबी आयु की कामना करता हूं। और मुझे इतना ही भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी जल्द MSP पर गारंटी कानून बनाने जा रहे हैं। और एक और निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री जी, बिजली का बिल कम करते हुए और किसानों को कर्जा और माफ कर दिया जाए। मुझे भरोसा है आप पर कि आप जल्द MSP पर गारंटी कानून बनाने की कृपा भी करेंगे और बनाएंगे भी। कैलाश गौतम के अनुसार दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान शहीद हुए 700 किसानों के परिवार को आर्थिक मुआवजे के तौर पर 50-50 लाख रुपए की सहायता दी जाए, साथ ही परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए। गौरतलब है कि आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लिया कि किसानों को हम समझा नहीं पाए, इसलिए 3 कृषि कानून वापसी की मांग का ऐलान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इसी महीने से शुरू हो रहे संसद सत्र में कृषि कानून वापसी लेने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। Time 24 न्यूज के लिए बुलंदशहर से हामिद सेफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।